जय हिंद। आज नंबर सिस्टम का क्लास है मैथ में। मान लीजिए कोई संख्या है, इसको कैसे मालूम करेंगे कि 3 से कटेगा या 6 से कटेगा, 9 से कटेगा या 11 से कटेगा, इसी के बारे में पढ़ेंगे आज। 2 से भाज्य संख्या, किसी संख्या का इकाई संख्या, इकाई संख्या सम या शून्य होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे एग्जांपल फॉर कोई संख्या है, 0 है इकाई संख्या, यानी कि यह 2 से विभाजित होगा, या ये क्या है 4 सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा, 8 क्या है 2 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं। 4 से भाज्य संख्या, किसी संख्या का अंतिम 2 संख्या जो 4 से विभाजित हो वह क्या कहलाएगा, वह संख्या 4 से भाज्य होगा। जैसे 7 2 8 2, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। 82, 4 से विभाजित होगा, 4 2 8 नहीं होगा। अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, 24 विभाजित होगा 4 से, 6 6 24, यानी कि यह 4 से विभाजित है, समझे कि नहीं। 8 से भाज्य, वह संख्या जो अंतिम से 3 संख्या 8 से विभाजित हो, विभाजित हो। एग्जाम्पल फॉर अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए, काटेंगे 8 5 40 8 2 4 441 बटा में 8 8 5 40 8 2 16, यानी कि कट गया, यानी कि यह संख्या 8 से विभाजित है। 3 से भाज्य का नियम क्या होगा, दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल फॉर इस संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, जोड़ेंगे सबको, 2 8 को 10 को 15 को 3 को 18 में 6 3 18 विभाजित हो गया, यानी कि यह संख्या 3 से विभाजित है। 9 से विभाजित होने का नियम, दी गई संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर कैसे चेक करेंगे 9 से विभाजित है कि नहीं, सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 9 को 2 11 को 11 को 19 को 21 को 6 को 27। अब 27 में 9 से विभाजित करेंगे, विभाजित हो जाएगा 9 23 27, यानी कि यह संख्या 9 से विभाजित है। 5 से विभाजित होने का नियम क्या होगा, वैसे संख्या जिसका इकाई संख्या 0 या 5 हो, वह 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल फॉर ये क्या है, इकाई संख्या 5 है, यानी कि 5 से विभाजित होगा। इकाई संख्या क्या है, 0 है, यह भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा। 6 से विभाजित होने का नियम, वैसे संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल फॉर 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, इकाई संख्या क्या सम होना चाहिए, सम है, चलिए
तीन से विभाजित होने के नियम क्या है? सबको जोड़ेंगे, तीन से भाग करेंगे। 11 5 16, 6 22 2 24, तीन से भाग करेंगे, 8 3 24 कट गया। यानी कि तीन से भी विभाजित है। 11 से विभाजित होने का नियम, वैसे संख्या जो सम एवं विषम स्थान का योग एवं उनका अंतर 0 या 11 होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर क्या वाले, वैसे संख्या जो सम और विषम स्थान का योग, सम और विषम स्थान एक छोर के लेंगे, ठीक है, एक छोर के लेंगे, उनका अंतर अगर योग करेंगे 7 6 13, अंतर 8 5 13, दोनों का अंतर क्या है 0 है। क्या बोला है 0 या 11 होना चाहिए, 0 हो गया ना। इस संख्या क्या है 11 से विभाजित है, ठीक है। 7 से विभाजित होने के नियम, किसी संख्या को 6 बार लिखने पर वह 7 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल फॉर 6 बार लिख रहे हैं कोई भी संख्या, 5 5 5 5, क्या हुआ 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको 7 से विभाजित करेंगे, पूरा विभाजित हो जाएगा। 8 को 6 बार लेंगे, इसको 7 से विभाजित करेंगे, पूरा कट जाएगा। भाग करके देखिएगा, अपना से चेक कीजिएगा, ठीक है। 101 से विभाजित होने का नियम, 2 अंक वाली संख्या को 2 बार लिखने पर वह 101 से विभाजित होगा। जैसे कोई 2 अंक लेंगे, मान लीजिए 23, इसको 2 बार लिखेंगे, 23 को फिर 1 बार 23 लिखेंगे, यह संख्या 101 से विभाजित होगा, ठीक है। या 65 65, यह भी 101 से विभाजित होगा। या 63 63, यह भी 101 से विभाजित होगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? वैसे संख्या जो वस्तु की गिनती में आए, जैसे जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये क्या है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ऐसी है, ठीक है, अनंत तक। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देंगे तो उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0 1 2 3, इसी तरह अनंत तक। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? वैसे संख्या जिसमें ऋणात्मक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक, और शून्य पूर्णांक हो, शून्य पूर्णांक। वैसे संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे 0 1, प्लस में 2, प्लस में 3, इसी तरह अनंत तक। -1 -2 -3 -4, इसी तरह -अनंत तक। सम संख्या किसे कहेंगे? वैसे संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो। जैसे 2 होगा 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16, इसी तरह, ठीक है। विषम संख्या किसे कहेंगे? वैसे संख्या जो 2 से विभाजित न हो। एग्जाम्पल फॉर 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, इसी तरह 15। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे?
वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित न हो, जैसे 2, 3, 11, 13, 19, 23, 29, 31 सभी क्या है, एक से कटेगा ना तो स्वयं से कटेगा यानी कि 2 से कटेगा, 3 है तो 3 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, 1 से 6 तक कितना वह संख्या है, 25 को है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इतना। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, एक और अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी भाज्य संख्या है। ठीक है, एक को छोड़कर और अभाज्य संख्या छोड़कर बाकी सब क्या है, भाज्य संख्या। एक को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे, 3 को छोड़ेंगे, 4, 5 को छोड़ेंगे, 6, 8, ठीक है, 9, 10, 12 क्या है, सब भाज्य संख्या है। कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, 1, 9 तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या है। एकमात्र 2 सम संख्या है और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तीसरा नोट, 0 न ही धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। किसी अंक का जातीय मान उसका खुद का मान होगा। ठीक है, जैसे कहेंगे 7 का जातीय मान क्या होगा, तो इसमें 7 का 7 ही होगा। ठीक है, यदि पूछेंगे स्थानीय मान क्या होगा, वो संख्या किस या कितने इकाई संख्या से दूर है उतना ही जीरो, उतना ही जीरो लिखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल में देख लीजिए कैसे बनाएंगे। 8, 7, 6, 4, 3, 2 है, इसमें पूछेंगे 7 के स्थानीय मान क्या होगा, 7 लिखेंगे, उसके बाद कै गो है संख्या, 1, 2, 3, 4, तो 4 गो 0। इसमें पूछेंगे 6 के स्थानीय मान क्या होगा, 6 लिखेंगे, उसके बाद कै गो संख्या, 3 गो, 1, 2, 3, तो 6 के स्थानीय मान कितना होगा, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, 7 के स्थानीय मान तो लिखेंगे, स्थानीय मान क्या होगा, 4 गो 0 बैठाएंगे, और 3 का जातीय मान का योग क्या है, जातीय मान 3 का यानी 3 होगा, योग यानी कि जोड़ेंगे कितना होगा, 17,003 आंसर। यदि कहे 6 का स्थानीय मान, 6 लिखेंगे, 3 को 0, और 4 का जातीय मान का गुणनफल क्या होगा, 4 का जातीय मान कितना होगा, 4 गुणनफल यानी कि गुना करेंगे, 6 चौका 24 यानी कि 24,000 आंसर। समझ गए, क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। 3 क्या है, रिपीट है कि नहीं, 0.3, 3 क्या है, रिपीट है, 3 के ऊपर क्या है, लाइन खींचेंगे बराबर, 3 लिखेंगे, जो लाइन है ना एक अंक ऊपर है यानी कि 1 गो 9 लिखेंगे, 3 तिहाई 9, 1/3 आंसर। चलिए समझिए, 67 क्या है, रिपीट है कि नहीं, तो 67 लिखेंगे, 67 रिपीट है, तो 67 के ऊपर एगो रेखा खींचेंगे या लाइन, 0.0, ये क्या है, दशमलव है, दशमलव में लिखेंगे,
बुरावा। रेखा दूगो संख्या के ऊपर है कि नहीं? दूगो संख्या के ऊपर है रेखा, तो दूगो नाइन आंसर। यहाँ पर देखेंगे एक संख्या के ऊपर क्या है, लाइन खींचा हुआ है, एक पर नहीं है तो 18 लिखेंगे, किस पर रेखा नहीं है, एक पर नहीं है तो एक को घटाएंगे 12। एक संख्या के ऊपर लाइन है तो एगो 9, एक पर नहीं है तो एगो 0 लिखेंगे, बराबर 17/90 आंसर। 1254 लेंगे, 1254 माइनस दूगो पर क्या है, लाइन है, किस पर नहीं है, 12 पर नहीं है तो 12 को घटाएंगे 12। दूगो संख्या के ऊपर लाइन है, दूगो पर है, दूगो 9, और कोई संख्या पर नहीं है, दूगो पर दूगो 0 लगाएंगे, घटाएंगे 1242 बटा में 9900, 62 बटा में 550। ठीक है, इसको किस तरह से बनाएंगे, 576 लिखेंगे, माइनस कितने पर रेखा नहीं है, 57 पर, तो 57 घटाएंगे बटा कितना संख्या पर लाइन है, एगो संख्या पर तो एगो 9, कितने संख्या पर रेखा नहीं है, दो संख्या पर, यानी कि 2 0 लिखेंगे, तो इसको घटाएंगे 519 बटा में 900। 173 में 300 गुना करेंगे, 300 में 300 गुना करेंगे, 173 बटा में 300 आंसर। इसको किस तरह से बनाएंगे, 3 दशमलव है 3 और प्लस लिखेंगे, 72 लिखेंगे, किस पर नहीं, 72 माइनस 0 घटाएंगे, किस पर रेखा नहीं है, दूगो संख्या पर, दोनों संख्या को घटाएंगे बटा में, दूगो संख्या पर रेखा है दूगो 9, और दूगो संख्या पर रेखा नहीं है यानी कि दूगो 0, 3 प्लस 72 में 0 घटाएंगे 72 बटा 9900 बराबर 99.72 बटा 9900। 36 से भाग करेंगे दो मरतबे, 9900 में 36 से भाग करेंगे 275, 3.2/275 आंसर। पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 195 से, कोई संख्या एक से 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, शेष 47 बचता है, यदि उसी संख्या को, इसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में शेषफल को 15 से भाग करेंगे, ठीक है, 15 3 45, शेषफल क्या होगा, 2 आंसर। ये क्या है, भाज्य, भाज, भाजक, भाजक, ये क्या होगा, भाग फल, ठीक है, ऐसे शेषफल होगा। किसी संख्या को, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या का वर्ग, इसी संख्या का क्या है, वर्ग, 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल कब आएगा, यहाँ पर 9 होगा, एक मरतबे 6 लगाएंगे, 9 में से 6 हो गया 3, यहाँ पर 9 ना होगा तो 9 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 81 होगा, होगा ना, भाग करेंगे 13 6 78 घटाएंगे 3, यानी कि 3 आंसर। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, नीचे क्या है, दो संख्या के पीछे एक दशमलव है, दो संख्या है कि नहीं, यानी कि एक पर दो संख्या से ऊपर गुना करेंगे, नीचे भी से ऐसे गुना करेंगे, ठीक है, एक दशमलव से एक जीरो काटेंगे, 65 × 10 650 होगा, यहाँ पर क्या है, दो संख्या के पीछे दशमलव है, यानी कि 2 × 0 काटेंगे, 13 में 1 से गुना करेंगे 13 × 13 = 65 यानी कि 50 आंसर। ठीक है, इसको किस तरह से बनाएंगे, एक संख्या के पीछे दशमलव है, एक संख्या के पीछे दशमलव, यानी कि दोनों बराबर है कि नहीं आपस में, दशमलव से दशमलव काटेंगे 121/198, 11 से काटेंगे, 11 में 11 से गुना करेंगे 11 में 18 से गुना करेंगे 198 11/18 आंसर। इसको किस तरह से बनाएंगे, 0.00
तेरह चौवालीस बटा में नीचा गुना करेंगे सात या इक्कीस। एक संख्या के पीछे दशमलव है, यहाँ पर एक संख्या के दशमलव यानी कि दो संख्या के पीछे होगा एक एक दो, दो संख्या के पीछे यहाँ क्या हुआ एक दो तीन चार पाँच छः, छः संख्या के पीछे दशमलव, यहाँ एक दो संख्या के पीछे दशमलव, ऊपर छः और नीचा दो, छः में से दो घटाएंगे कितना होगा चार, यानी कि ऊपर चार संख्या के पीछे दशमलव रखेंगे। 1344 में किसे भाग करेंगे, चौसठ होगा, कई गो संख्या के पीछे लगाएंगे दशमलव, चार गो संख्या एक दो तीन चार, चार गो के पीछे आंसर यहाँ क्या है 5.8787 और गुना 1000 है। इसको किस तरह से हल करेंगे, जितना बार जीरो से गुना होगा उतना बार दशमलव आगे जाएगा, ठीक है, एक दो गो तीन गो है जीरो तो दशमलव तीन गो संख्या के आगे आएगा एक दो तीन यानी कि यहाँ पर आएगा, आंसर क्या होगा 5.8787, ठीक है आंसर। उसी तरह यहाँ पर तीन गो है, दो गो आएगा और फिर एगो जीरो बैठ जाएगा, दो गो संख्या के पीछे दशमलव है, तीन दशमलव काटेंगे दो गो संख्या से कितना होगा 57 और फिर एगो जीरो से गुना करेंगे आंसर।